हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पहेली हाउस को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी लॉजिकल पहेलियां आपको मिलती रहे। तो चलिए पहेलियां शुरू करते हैं। बालवीर के पास एक टोकरी में 3 एप्पल्स है और वहीं पे बालवीर के 3 फ्रेंड्स भी है, मेहर, मानव और मोंटू। बालवीर चाहता है कि वह अपने 3 फ्रेंड्स को वह 3 एप्पल्स दे देगा, लेकिन कंडीशन यह है कि बालवीर के 3 फ्रेंड्स को वह 3 एप्पल्स देने के बाद भी उस टोकरी में 1 एप्पल रहना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि बालवीर एप्पल्स का बंटवारा अपने फ्रेंड्स में कैसे करेगा जिससे तीनों के पास एक एक एप्पल भी आ जाए और टोकरी में 1 एप्पल भी रह जाए, और हाँ, वह एप्पल काट भी नहीं सकते। तो दोस्तों सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि बालवीर उन एप्पल्स का बंटवारा अपने फ्रेंड्स में कैसे करेगा? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बालवीर पहले उस टोकरी में से 2 एप्पल्स निकाल के अपने 2 फ्रेंड्स को देगा और लास्ट में जो 1 एप्पल टोकरी में बचेगा वह टोकरी के साथ ही अपने 3रे फ्रेंड को दे देगा, जिससे तीनों के पास एक एक एप्पल भी आ जाएगा और टोकरी में 1 एप्पल भी रह जाएगा, जो कि कंडीशन थी। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं हमारी अगली पहेली। लेकिन अगली पहेली देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही मजेदार पहेलियां मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ मस्ती परी, बाल परी और तिमनासा है और इन तीनों में से किसी एक का बच्चा मरा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पिक्चर को ध्यान से देख के बताना है कि इन तीनों में से किसका बच्चा मरा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि किसका बच्चा मरा हुआ है? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। तो चलिए देखते हैं कि किसका बच्चा मरा हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे तो इस कब्र पे बालपरी की फोटो है और वहाँ फूल भी चढ़ाए हैं, मतलब बालपरी मर चुकी है। तो बालपरी मर चुकी है तो उसका बच्चा भी मर गया होगा, मतलब इस पिक्चर में बालपरी का बच्चा मरा हुआ है। तो दोस्तों आपको आज की हम मजेदार पहेलियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। एक चोर बालवीर की कार चुरा के भागता है। बालवीर चोर का पीछा करता है, तभी चोर एक घर के सामने जाके कार रोक देता है। बालवीर वहां आकर देखता है तो वहां उसके कार जैसे 3-3 कार खड़ी रहती है। बालवीर सोचने लगता है कि इन तीनों में से उसकी कार कौन सी है। तो दोस्तों क्या आप सोच के बता सकते हो कि इन तीनों कार में से बालवीर की कार कौन सी है जो चोर ने अभी अभी चुरा के लाई है? तो दोस्तों सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इन तीनों कार में से यह 3रे नंबर वाली कार बालवीर की है जो चोर ने अभी अभी चुरा के लाया है, क्योंकि आप इन बाकी 2 कार पे देखोगे तो वहाँ पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, मतलब यह दोनों कार काफी दिनों से यहीं पे खड़ी है। और इस 3रे नंबर वाली कार को देखोगे तो यहाँ कोई भी पत्ते नहीं गिरे है, मतलब यह कार अभी अभी आई है, इसलिए 3रे नंबर वाली कार ही बालवीर की है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारी अगली पहेली। लेकिन अगली पहेली देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ।
दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ तीन लोग नहा रहे हैं, विवान, बालवीर और मानव। लेकिन क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि इनमें से कौन सबसे बड़ा मूर्ख है? तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या पता लगा पाए कि इस पिक्चर में कौन सबसे बड़ा मूर्ख है? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। तो यहाँ बालवीर सबसे बड़ा मूर्ख है क्योंकि उसके पास पानी से भरी बकेट और छोटा मग दोनों भी है, लेकिन फिर भी वह शावर से नहा रहा है। लेकिन आप तो जानते ही हो कि शावर में पानी का बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और पानी का हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है ये तो आप जानते ही हो। फिर भी बालवीर पानी वेस्ट कर रहा है, इसलिए बालवीर यहाँ सबसे बड़ा मूर्ख है। तो दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और पहेली पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार पहेलियाँ मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे की माँ कौन है। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही पहेली वीडियोस मिलते रहें। और दोस्तों आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आज का पहली वीडियो शुरू करते हैं। एक तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्तियों से इन तीनों को जादुई बोतल में कैद कर लिया है, जिनमें बालपरी को 6 साल पहले इस बोतल में कैद कर लिया था, पानी परी को 11 साल पहले इस बोतल में कैद कर लिया था और मस्ती परी को 5 महीने पहले इस बोतल में कैद कर लिया था। लेकिन बोतल में कैद इन तीनों में से किसी एक का यह बच्चा है। तो दोस्तों क्या आप सोच के बता सकते हो कि इन तीनों में से बच्चे की माँ कौन है? तो सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या पता लगा पाए कि बच्चे की माँ कौन है? अगर हाँ तो बहुत अच्छे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यह बच्चा काफी छोटा है, अप्रोक्सीमेटली 9-10 महीने का। तो यह इन दोनों का मतलब बालपरी और मस्ती परी का बच्चा तो नहीं हो सकता क्योंकि यह दोनों यहाँ पे 6 और 11 साल से कैद है। मतलब यह बच्चा मस्ती परी का है क्योंकि वह सिर्फ 5 महीने से ही इस बोतल में कैद है, इसलिए यहाँ मस्ती परी ही इस बच्चे की माँ है। तो दोस्तों आपको यह पहेली कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ बालवीर किसे बचाएगा, अनन्या को या फिर मेहर को? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों बालवीर पहले मेहर को बचाएगा क्योंकि मेहर की तरफ ग्रीन सिग्नल है तो वहाँ ट्रेन नहीं रुकने वाली, जबकि अनन्या की तरफ रेड सिग्नल है तो वहाँ ट्रेन रुकी हुई है, इसलिए बालवीर पहले मेहर को ही बचाएगा। तो दोस्तों यह तो हुई मेरी राय, लेकिन इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।